वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर लेसन नंबर 2, अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन जल में घुलकर H3O प्लस आयन बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जल का सूत्र H2O होता है और अम्ल जब जल में घुलता है तो H प्लस आयन बनाता है, जो कि H के साथ जाके जुड़ जाता है और H3O प्लस आयन बनाता है। इसलिए हम उसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। HCl को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H3O प्लस आयन बनता है, साथ में Cl माइनस। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जब हम NaOH को पानी में मिलाते हैं तो Na प्लस तथा OH माइनस आयन बनते हैं। इसी प्रकार से MgOH2 को हम जब पानी में मिलाते हैं तो Mg2 प्लस तथा 2OH माइनस आयन बनते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम क्षार किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं, और ऐसे क्षारक जो जल में ना घुले उसे क्षारक ही कहते हैं। तो सारे के सारे क्षारक जल में तो घुलते नहीं हैं, इसीलिए वे सारे के सारे क्षार नहीं हो सकते, परंतु जो जल में घुल जाते हैं वे तो क्षार होते हैं और वे क्षारक का ही एक अंश होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्षार जो है वो क्षारक होता है, परंतु सारे के सारे क्षारक क्षार हो ये संभव नहीं है। यह निर्भर करता है कि हमारे पास कौन सा क्षारक दिया गया है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जब भी हम अम्ल या क्षार को, अधिकतर हम यह देखते हैं कि कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती है जब हम अम्ल में जल को मिला देते हैं, परंतु सही तरीका यह है कि जल में हमें अम्ल मिलाते रहना चाहिए तथा उसे साथ में घोलना भी चाहिए। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब अम्ल और जल को मिलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, तथा उस ऊष्मा को नियंत्रण करने के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। परंतु जब अम्ल में जल डाला जाता है तब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तथा जल की मात्रा कम होती है, तो उस ऊष्मा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तथा जब जल की मात्रा अधिक हो और जल में अम्ल को डाला जाए तब जल की मात्रा अधिक होती है तथा उस ऊष्मा को जल नियंत्रित कर लेता है। तथा हम जल में जब अम्ल को डालते हैं तो कोई भी नुकसान होना कम हो जाता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण आस्फीत होकर बाहर आ सकता है तथा स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है और दुर्घटना घटित हो सकती है। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुसांस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर। अगर पीएच 7 के बराबर हो तो हम कहेंगे कि जो दिया गया विलयन है वह उदासीन है, तथा यदि पीएच 7 से बड़ा हो तो हम यह कहेंगे कि दिया गया विलयन क्षार की है, और पीएच 7 से छोटा हो तब हम यह कहेंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय विलयन है। यह स्केल 0 से 14 तक
पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि आप स्केल देख ही रहे हैं, यदि पीएच जिस प्रकार से कम होता जाता है, वैसे वैसे उस विलयन में अम्ल की सांद्रता बढ़ती जाती है, और जिस प्रकार से पीएच बढ़ता जाता है, उस प्रकार से एच प्लस आयन की सांद्रता कम होती जाती है तथा क्षारकता बढ़ती जाती है। तो आइए देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हाँ, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है, यह भी क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहले, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास यानी कि रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा का पानी 5.6 पीएच से कम हो जाता है तब हम उसे यह कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है? हमारा उदर यानी कि पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंट एसिडिक जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे कहते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब भी हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांतों का क्षय यानी कि हमारे दांत गलने शुरू हो जाते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित तो होने लगता है, यानी कि इस पे जंग लगने लगता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकीय मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, यानी कि हम ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग करें जो स्वभाव में क्षारकीय हो तो हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। पीएच से पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा किस तरह से की जा सकती है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ने से किया जाता है। लवणों का पीएच, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो उदासीन लवण बनता है जिसका पीएच 7 होता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो अम्लीय लवण बनता है जिसकी पीएच 7 से कम होती है। जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया होती है तब क्षारकीय लवण बनता है जिसका पीएच 7 से अधिक होता है। आइए साधारण नमक से रसायन किस प्रकार से बनते हैं वह देखते हैं। जो नमक हम खाने में उपयोग करते हैं उससे किस प्रकार से अलग अलग चीजें उत्पन्न होती है, किस तरह से अलग अलग चीजें बनाई जाती है। तो साधारण नमक से पहली चीज जो बनती है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
दूसरा है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चौथा है धोने का सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आइए देखते हैं नमक से, साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब NaCl के साथ H2O की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमें एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कैथोड के पास हमें NaOH विलयन मिलता है जो कि आप स्क्रीन पर क्रियाकलाप में देख रहे हैं। उपयोग, हाइड्रोजन गैस जो हमें मिलती है उसको ईंधन के मार्गरीन के तौर पे उपयोग किया जाता है यानी कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरीन जो है उसे जल की स्वच्छता के लिए, PVC के लिए और CFC के लिए उपयोग में लिया जाता है। HCl इस्पात की सफाई, औषधियाँ वगैरह बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्लोरीन प्लस NaOH विरंजक चूर्ण बनाते हैं जिसको घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण किस प्रकार से बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CaO Cl2 तथा पानी उत्पन्न होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में। आइए अब देखते हैं कि साधारण नमक से बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनता है। NaCl को जब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा NH3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब हमें NH4Cl तथा NaSCO3 मिलता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को खाना पकाते वक्त उपयोग करते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। इसके उपयोग से केक या फिर पाव रोटी का मतलब होता है ब्रेड, ओके, ये सब बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यह एंटेसिडिक का काम भी करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आइए अब देखते हैं धोने का सोडा किस तरह से बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तब हमें Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस
किस प्रकार से बनता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट यानी कि अर्धहाइड्रेट पीओपी बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पूर्ण जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे CuSO4.5H2O के क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। Na2CO3.10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। CaSO4.2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।